उस दुखिया के पास में इतना धन नहीं था जो अपने बच्चे के लिए कफन ले आती। अरे आधी साड़ी फाड़ी मातले और लला को कफन बनाओ, ले बेटा की लाश अगारी को जल कदम बढ़ाओ, बच्चे की लाश उठा करके शमशान में पहुंच गई और अपने बच्चे की लाश शमशान में रख दी। अरे पहुंच गई शमशान घाट में तीनों ललाल ताई, आज वो दुखिया शमशान में पहुंच गई, अपने बच्चे को शमशान में लिटा दिया। अरे पहुंच गई शमशान घाट में हरिश्चंद्र ने देखा तो हरिश्चंद्र पास में आते, लेकिन वो दुखिया अरे कहूं भाग के चिता बना दे कहूं छाती से लेत लगाई। कैसी थी मां की ममता, अरे कहूं भाग के चिता बना दे कहूं छाती से लेत लगाई। और हरिश्चंद्र महाराज तभी महाराज सामने पहुंच गई है। रात में जब तारा को देखा तो तारा से सवाल कर दिया, तारा तुम इस शमशान में क्या करने आई तारा? तो तारा के जवान से कोई भी शब्द नहीं निकले। तारा वहां पर पहुंच गई है जहां पर रोहित लेटा था। आज तारा ने क्या किया? सोई बेटा के कसरे के दिनों कपन हटाई, आज महाराज हरिश्चंद खड़े लेकिन तारा पास में पहुंची। सोई बेटा के मुख से लेके दिनों कपन हटाई और हरिश्चंद कहने लगे, तारा क्या हमारा बेटा खत्म हो गया तारा? तो तारा आंखों में आंसू लेकर के हरिश्चंद से कहने लगी, महाराज महाराज फूट गए हम दोनों को भागे और फूला देखना चाहते हैं तो केवल वो माता पिता ही होते हैं, लेकिन धिक्कार है ऐसी औलाद को जो जमाने के घमंड में अपनी पत्नी के चक्कर में अपने माता पिता को गालियां दे दे, समाज में सब सर झुकाने के काबिल बना दे। धिक्कार है ऐसी औलाद को अपने माता पिता के आंसू निकाल दे आंखों से। वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता है जो इंसान अपने माता पिता को रुला देता है। हर चीज भूल जाना लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलना।
क्योंकि संसार में अगर कोई भगवान है तो केवल वो माँ और बाप होते हैं, और जिस असली भगवान को तुमने रोला दिया तो ये परम पिता परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो भी तुम्हारी नहीं कभी सुनेगा। हर संत को वही बात ध्यान आ गई, तारा हमारा बेटा मर गया, मर जाने दो, हमारे महाराज का ये आदेश है, करका टका दे दो, उसके बाद में उस बच्चे की लाश लगी यहां पर। तो तारा कहने लगी, महाराज मेरे पास में कुछ नहीं है। अरे मेरे पास में महाराज कुछ नहीं है, तो हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, तारा नहीं पता है तुम्हें, उस दिन की याद करो तारा, जब मैंने तुमसे ये कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, तो उस दिन बहुत बड़ी पंडितानी बन रही थी तारा, लेकिन तारा मेरी एक बात सुनो, क्यों फिर ताला सुधरे हमें पहले कर का टका चाहिए, धन चाहिए, उसके बाद में उस बच्चे की लहस अंतिम संस्कार करने देंगे। तारा कह लगी, महाराज मेरे पास में कुछ नहीं है, ये हमारे पास में आधी साड़ी बची है। हरिश्चंद कितने धर्म पर चलने वाले थे, आज उस मैया की आधी साड़ी खींच ली, तारा नग्न हो गई, अब तारा नग्न हो गई तो भाग करके तारा एक मंदिर में छुप गई है। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, विश्वामित्र वहां से भागा और भाग करके काशी नगरिया में से छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया। तारा जहां लेटी थी, तारा के मुंह से खून लगा दिया और काशी की गलियों में खबर कर दी है, भैया अपने अपने बच्चे संभाल के रखना, इस नगरिया में एक टहन आ गई है, वो छोटे छोटे बच्चों को मार रही है, अपने अपने बच्चे संभाल के रखना। बोई महतन ने हरिश्चंद को बुला लिया, एक बात कही, हरिश्चंद इस मंदिर के अंदर एक डहन बैठी है, तुम जाओ उसको मार के आओ। हरिश्चंद पहुंचे हैं तो तलवार हाथ में, देखा है तारा लेटी है, केस पकड़ लिए। एक बात कही, तारा तुम्हारा बेटा खत्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है तुम हर किसी बच्चे को मारो, तारा आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, क्योंकि हमारे महाराज का ये आदेश है। महाराज हरिश्चंद ने देर नहीं की, अरे मारा लखा जी राजा ने विश्वामित्र को जब महाराज हरिश्चंद ने देखा तो हरिश्चंद कहने लगे, महाराज अब मेरे प्राण लेने आए हो, अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मार देने दो तारा को, ये टाइम है,
विश्वामित्र कहने लगे नहीं हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को नहीं मारो। क्यों? विश्वामित्र बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हरिश्चंद्र ने जब ये सुना परीक्षा, आंखों से आंसू बहने लगे, महाराज इसी परीक्षा में हमारा बेटा चला गया। विश्वामित्र कहने लगे नहीं, उससे मैंने सर्प बन करके डसा था, अपने बच्चे को आवाज लगाओ। विश्वामित्र के कहने के आधार पर हरिश्चंद्र ने रोहित को आवाज लगाया तो रोहित ये खेलता हुआ विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सामने पहुंच गया। लेकिन भागवत श्रोताओं, महाराज भक्त की नैया लगई पर धनी धनी जगदीश तुम्हारी लीला अपरंपार, कर ले भजन भगवान का निशान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का निशान नहीं होगा। विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र को पुनः अयोध्या का राजा दोबारा बनाया है। तीनों प्राणियों की एक कहानी सपनों के भांति याद सबको रह जाती है। विश्वामित्र से हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इतनी कठिन परीक्षा आपने मेरी ली है, लेकिन कलयुग में किसी को लेने के लिए मत जाना। विश्वामित्र ने समझाया सुनो हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसे दानवीर ही नहीं होंगे कलयुग में। तो तीनों प्राणियों की कहानी सपनों के भांति याद रह जाती है। क्षमा चाहते हैं, यहां से आगे कल श्रवण करेंगे भगवान श्री राम का अवतार कब और क्यों किस लिए हुआ। कल सुनेंगे भगवान श्री राम के बारे में और भगवान योगीराज कृष्ण के बारे में, किस प्रकार से भगवान कन्हैया का अवतार मथुरा की जेल खानों में हुआ। कल भगवान श्री राम के बारे में और भगवान कन्हैया के बारे में कल श्रवण करेंगे कल झांकी द्वारा। तो आशा करेंगे छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में क्षमा चाहेंगे। और ये पुरस्कार हमारे करीब आया है, 100 रुपए आए हैं।